जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने जावा के बेसिक्स और कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू स्मूथली रन अ जावा प्रोग्राम सिस्टम, वो नेसेसरी टूल्स हमने इंस्टॉल किए थे। आज हम जावा की प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और एडवांस प्रोग्रामिंग भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट को लेके चलेंगे। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में वो सारी चीज़ें मैंने जो डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में वो सारी डाल दी है इधर, ठीक है। किस तरह पाथ वेरिएबल की सेटिंग करनी है, किस तरह जावा की इंस्टॉलेशन करनी है, जावा की कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, कहाँ से लेनी है, ठीक है। और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी जावा की डाल दी है कि वाई जावा इम्पोर्टेंट है। ओके, प्रोग्राम चलाते कैसे हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें देखी थी हमने। और अच्छा, जावा सी कंपाइल करता है और ये इंटरप्रेटर है जावा डॉट एक्सी, तो ये इंटरप्रटेशन करता है। ओके, कुछ आइडियाज़ भी है जो कि अगर आप लेट से यूज़ करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक टू कोड ऑन सिंपल टेक्स्ट एडिटर, यू कैन इंस्टॉल दिस ब्लू जे, नेट बीन्स एट्सेट्रा, जे क्रिएटर, एक्लिप्स। तो ये बड़े अच्छे और यूज़र फ्रेंडली आइडियाज़ हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। NetBeans हैवी भी है और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, तो आप विंडोज़ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तरीका पूरा मैंने सिखा दिया है कि कैसे आप NetBeans की इंस्टॉलेशन करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ओके जी, कितनी टाइप की वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हम इधर से प्रोग्राम उठा के उसको रन करेंगे और फिर आपको लोगों में समझाऊंगा कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस एग्जांपल टू। सो दिस इज एन एग्जांपल, इसको कॉपी किया और इस जी इस फाइल में हमने इसको पेस्ट करना है। ओके, अच्छा, इस फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट जावा, तो हमने आपको पता है इस क्लास का नाम भी फर्स्ट ही रखना है, ठीक है। और थोड़ी सी इसकी सेटिंग करते हैं। ओके, ओके, हाँ जी, और इसको सेव करते हैं। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। फिर नाउ दिस इज फाइन नाउ, सो दिस इज अ प्रोग्राम। ओके, दिस शुड बी नॉट, दिस शुड बी फर्स्ट। एक वेरिएबल इसमें डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, इसका बता दिया था लास्ट टाइम, ठीक है, उसमें क्लियर नहीं तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट्स अगर आपने टर्न इन से लेने हैं, तो ये वो आर्गुमेंट्स इस आर्ग्स अरे में आ जाते हैं। देन यू कैन यूज दोज आर्गुमेंट्स, यू कैन पॉइंट दोज आर्गुमेंट्स बाई जस्ट पुटिंग द नेम ऑफ दिस अरे, इट इज आर्ग्स, एंड index, I mean, if you want to get first element, you need to put here, let's say integer variable is equal to args 0, that will get first argument given on the terminal and will assign that argument to this variable 1. ठीक है, main function static का मतलब क्या था वो बता दिया था, और since Java is pure object oriented
लैंग्वेज, तो इसमें हर प्रोग्राम आप क्लास के अंदर ही लिखेंगे, तो उस क्लास का नेम फाइल के नेम के मुताबिक होना चाहिए, आई मीन जिस जो फाइल का नेम होगा वही क्लास का नाम होगा। तो ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, ये दूसरा वेरिएबल है, दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं। इस वेरिएबल में वैल्यू डाल दी गई है 1024 और फिर इसको प्रिंट किया गया है, तो इसको इस तरह आप इसको प्रिंट करते हैं। फिर दूसरे वेरिएबल में वेरिएबल वन को डिवाइड किया गया 2 पे और वो वैल्यू डाल दी गई है, ठीक है। तो ओके ठीक है ठीक है, तो आपने इसको 2 पे डिवाइड किया है और जो रिज़ल्ट आया है उसको आप इधर प्रिंट कर रहे हैं, और आपने ऊपर आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल वन की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, और जहाँ पे प्रिंट के साथ एल एन लिखा उसके बाद लाइन एन, तो अगर आप ये लिखेंगे तो जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी उस स्टेटमेंट के बाद एंटर भी प्रेस किया जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली एंटर वो दूसरी लाइन में आ जाएगा, तो यही बाकी चीज़ें ही दूसरी लाइन में प्रिंट होंगी। अगर आप ये एल एन नहीं लगाते प्रिंट के साथ, जस्ट प्रिंट लगाते हैं, तो फिर जो नेक्स्ट लाइन है वो भी इस लाइन के साथ प्रिंट होगी, आई मीन देयर विल बी नो इंटर आफ्टर दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फिर ये स्टेटमेंट ही उसी लाइन पर प्रिंट होगी। अगर आपने एल एन लगा दिया है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद दिस लाइन विल बी एंडेड एंड नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड ऑन सेकेंड एंड नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये प्रिंट और प्रिंटर में ये डिफरेंस है। तो ये एक वेरी जस्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता है, दूसरा क्या करता है, दूसरा उस वेरिएबल को टू पे डिवाइड किया वो वैल्यू डाली है, तो वो सब प्रिंट करेगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, ओके तो कमांड्स क्या बताता हूँ। अच्छा, आपने स्क्रीन को अपने टर्मिनल को क्लियर कर दें, तो कमांड है सी एल ई आर क्लियर, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इनिशियली आपका जो कमांड लाइन है वो आपको ऐसे नज़र आएगा। अब मैं ये जो फाइल है मेरी फाइल ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे इस करंट डायरेक्टरी में या करंट जो फोल्डर है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। मैंने एलिस कर दिया है, एलिस फॉर लिस्टिंग, तो सारी लिस्ट हो गई, तो डेस्कटॉप ही जो डायरेक्टरी हो गया पे पड़ी है। तो मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, जो सी डी डेस्क टॉप उस पर आ गया हूँ। अब यहाँ देखता हूँ कि यहाँ क्या है एलिस, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पड़े हुए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पे वो फर्स्ट जावा की फाइल भी पड़ी हुई है, तो उसको मैं इंटरप्रेट या कंपाइल करना चाहूँगा, और उसके बाद फिर उसको पहले कंपाइल उसके बाद इंटरप्रिटेशन या एग्जीक्यूशन। तो जावा सी और आगे उस फाइल का नेम, तो फर्स्ट डॉट जावा। जी अगर कोई मैसेज आपको शो नहीं हो तो सक्सेसफुली ये कंपाइल हो गया है। अब मैं उसको रन करना चाह रहा हूँ, तो जावा फर्स्ट। तो देखें वो जो प्रोग्राम ने लिखा था उसका आउटपुट हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो ये आपको दिखाना था कि कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और कैसे उनको वैल्यूज असाइन करते हैं और कैसे उनको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए वो 512 उसी लाइन में प्रिंट होगा। अगर आपने प्रिंट एल लगा दिया है, अब देखते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, यहाँ पे प्रिंट एल एन लगा देते हैं, एन एल सी की क्या होता है, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करते हैं,
compile and then run. तो देख सकते हैं कि अब 512 दूसरे लाइन में आ रहा है क्योंकि हमने हम उधर हमने प्रिंट प्रिंट एलएन लिखी है, ठीक है। अच्छा अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये डेटा टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की थी। अच्छा ये दूसरी एग्जांपल क्या करता है, ये एफ एल्स की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको कॉपी करके चलाते हैं। हाँ फर्स्ट आपने क्या करना है, द नेम शुड बी सिमिलर इज नेम ऑफ द फाइल नेम। ओके तीन वेरिएबल डिक्लेयर हुए, उसके बाद ओके ठीक है दिस यहाँ हमने एफ एल के साथ देखिए एफ के साथ कोई ब्रैकेट नहीं यूज होता है, तो कोई ब्रैकेट नहीं होता तो सिर्फ फर्स्ट लाइन उस एफ के साथ कंसीडर किया जाता है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि ये अगर पहले समझते हैं, पहले समझते हैं कि ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, मेमोरी डाली गई है, सी में दोनों का डिफरेंस डाला गया है 2-3-1 और फिर कंडीशन लगाइए सी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू ये कर दो, लेस है 0 से लेस है तो फिर ये कर दो, ठीक है। और फिर ऐसी ही एक लाइन पर की गई है, फिर सी को बी माइनस ए कर दिया है, अब अगर पॉजिटिव है तो ये कर दो, नेगेटिव है तो ये कर दो, सो लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। इसको सेव कर दिया है, अब इसको हम रन करते हैं। सो ये सक्सेसफुली रन हो गया है और अब इसको सॉरी कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं। अच्छा आई थिंक वो सेव ना नहीं हुआ, उसमें पुराना डेटा पड़ा हुआ, मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है। अपडेट नहीं हुआ सुरेश जी के क्या मसला है, फाइल दोबारा देख लेते हैं। यस इधर हमने फर्स्ट लिखना था, हम इट्स लिख चुके हैं, लेट्स चेंज दिस नाउ, लेट्स कंपाइल इट। Successfully compiled and now let's execute on. Okay, शुरू में सी नेगेटिव क्योंकि आप ए माइनस बी कर रहे थे, दैट वॉज 2-3 और अभी आप 3-2 कर रहे हैं, पॉजिटिव। नाउ यू लूज
if else in Java. ठीक है ओके, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि दूसरा कौन सी एग्जांपल है। तो लूप कैसे चलाते हैं, ठीक है, तो लूप एग्जांपल दे देते हैं। सो कॉपी है, तो यहाँ पे इसको पेश करते हैं। ये जी आपके पास के तो यह प्रेस कर ली, प्रेस हेयर एंड हेयर दैट दैट इज ओके फाइन। ये देखिए एक लूप है जिसमें काउंट जीरो से स्टार्ट होके और काउंट प्लस प्लस हो रहा है, काउंट इज लेस देन फाइव, तो जीरो से लेके फोर तक यानी फाइव टाइम्स ही लूप चलेगा। इसका आउटपुट देखते हैं, यू नीड टू काउंट कंपाइल इट फर्स्ट, देयर इज नो एरर। देखिए 0 1 2 3 4, सो ऐसे आप लूप्स डिक्लेयर एग्जीक्यूट और कोड करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सी एग्जांपल है। यहाँ पे सारा डेटा जो है वो पहले से वेरिएबल्स में मैनुअली और स्टैटिकली कोड के अंदर ही डला हुआ था, या यू कैन से हार्ड कोड किया हुआ था। अब जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम यूज़र से इनपुट करवाएं, तो उसके लिए एक यूटिलिटी है जावा यूटिलिटीज के अंदर, उसको स्कैनर कहते हैं। सो यू कैन यूज़ स्कैनर to get input from the user. अब देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो इस क्लास के नाम चेंज कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे, फिर अब देखिए जिस तरह आप हैश इंक्लूड करते थे या दूसरे लैंग्वेज में लाइब्रेरीज उसमें भी इम्पोर्ट है पाइथन में, ठीक है, इस तरह जावा में इम्पोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं और डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जिनकी स्पेसिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। सो यूटिलिटी इज़ वन ऑफ देम, और उसके अंदर डिफरेंट यूटिलिटीज डिफरेंट टास्क के लिए, वन ऑफ दम इज स्कैनर, ओके, इनपुट टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर ऑन टर्मिनल। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले देखिए सिस्टम इन से हम इनपुट करवाते हैं, जिस तरह सिस्टम आउट से हम आउट करते हैं। तो आपने सिस्टम स्कैनर जो कि आपने इधर से पोर्ट किया है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्लियर करना है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट अच्छा आगे फिर पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्ट ऐसे ही डिक्लेयर किए जाते हैं जावा में, ठीक है, वहाँ तो हम क्लास का नाम लेके आगे ऑब्जेक्ट कोई भी आइडेंटिफाई लेकर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है किसी क्लास में, यहाँ पे ऐसे करते हैं।
तो अगर हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो स्कैनर कीवर्ड एंड आगे इनपुट दिस इज आइडेंटिफायर दिस इज नेम ऑफ योर चॉइस और फिर इसका जो कंस्ट्रक्टर होता है न्यू आगे क्लास का नेम दिस इज दिस इट्स कंस्ट्रक्टर ठीक है और आगे अगर कोई पैरामीटर रिक्वायर्ड हो अगर पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को आपने कॉल करना है तो प्रोवाइड पैरामीटर तो यहाँ पे पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर को हम देखेंगे इसलिए हमने सिस्टम इन सिस्टम आउट इज यूज फॉर आउट टू आउट आई मीन टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन एंड सिस्टम इन इज यूज टू गेट समथिंग फ्रॉम यूजर ऑन टर्मिनल ठीक है तो ये करने के बाद आपने क्या करना है अभी आप इस इनपुट के साथ नेक्स्ट इंट लिख के तो आप इंटीजर इंटर करवा सकते हैं नेक्स्ट लेट्स से नेक्स्ट चार लिखेंगे तो करेक्टर इनपुट करवा सकते हैं नेक्स्ट फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोट इंटर करवा सकते हैं ठीक है तो देखिए हम आप क्या कर रहे हैं हम ने ये सेटिंग करवा दी है आप जस्ट नीड टू यूज़ दिस इनपुट तो इस इनपुट का कोई भी नाम दे सकते हैं ठीक है तो फिर आप वो नीचे यूज़ करेंगे तो हमने ये प्रिंटिंग का पता है प्रिंटिंग करवा दी है फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और ये और यूज़र से इनपुट करवा के इस वेरिएबल ए में डाल दिया फिर बी डिक्लेयर करके यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और बी में डाल रहे हैं सी कर रहे हैं ठीक है और फिर नीचे इन दोनों में जो वैल्यू यूज़र डालेगा उसका हम एवरेज कर रहे हैं सो लेट्स रन दिस एंड सी के क्या करते हैं तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे अब जाके इसको इंटरप्रेट करेंगे तो आपको नजर आए कि अब आपसे वैल्यू मांग रहा है कि वैल्यू एंटर कर ठीक है तो फर्स्ट नंबर 4 द अदर वन इज 6 ठीक है एंड द थर्ड वन इज 5 तो 4, 6 और 5 ये हो गए 15 वन के अगर जाएगा 5 तो देखिए इसका शुरू करो सो ये जावा में अगर आपने इनपुट करवाना है प्रोग्राम यूजर से तो ये तरीका है टर्मिनल के ऊपर ठीक है अच्छा जी अब आप लोगों का जो टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने करना क्या है हाँ ये आप लोगों का नजर आ रहे तो ये टास्क हैं तो अच्छा अभी आप लोगों ने ये टास्क करने हैं और इसका मुझे दिखाना है कि क्या इसका आउटपुट आ रहा है द फर्स्ट टास्क इज बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सीन व्हाट यू हैव लर्न इन दिस लेक्चर सो फॉर उसके ऊपर टास्क है कि आपने जावा के अंदर एक प्रोग्राम कोड करना है ठीक है क्या आपको एक नंबर दिया जाएगा आप देखें आपने लूप भी देख लिया है और आपने यूजर से नंबर कैसे लेते हैं और फिर उनको ऐड कैसे करते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं आपने करना ये है कि आपने एक नंबर लेना है यूज़र से लेट्स से नंबर है 14,456 ये एक नंबर आपको दे दिया गया तो योर प्रोग्राम मस्ट बी जेनेरिक इस स्पेसिफिक डिजिट के लिए नहीं होगा फिर आपका प्रोग्राम क्या करेगा आपका प्रोग्राम इस पूरे नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को सेपरेट कर देगा 6 अलग 5 अलग 4 अलग 4-1 4 अलग और 1 अलग और उन सबको ऐड करके उनका एवरेज आपको देगा सो दिस इज फर्स्ट टास्क दूसरा जो टास्क है वो ये है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम जावा में कोड करना है जो आपके प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल्स हों ठीक है फॉर एग्जाम्पल वी गिव नेम x to the first variable and we give name y to the second variable. Okay, then you need to
to get input from the user and terminal for variable x and variable y. दोनों input आपने ले लिए user से. अब आपने इसे code लिखना है कि वो swap कर सके, लेकिन swap आपने करना है, लेकिन कोई third variable आपके program में नहीं होगा. यही दो variables आपने use करने x और y. ठीक है, तो आपने swapping करनी है कि जो x की value, x में जो value पड़ी हुई है वो y में आए, और y में जो value पड़ी हुई है वो x में जाए. ठीक है, ये स्वैपिंग करनी है विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल. नॉर्मली स्वैपिंग तो इजी है कि आप एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करें और वाई की वैल्यू उसमें रखें, तो एक्स की वैल्यू वाई में डाल दें और वाई में उस वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू वाई में डाल दें और एक्स में उस वेरिएबल की वैल्यू डाल दें जो आपने टेम्प्रेरी वेरिएबल बनाया हुआ है. लेकिन इसमें जो आपका टास्क है इस लेक्चर में, ठीक है, उस टास्क में ये कंडीशन है, ये कंस्ट्रेंट है कि आपने कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना. सो द फर्स्ट टास्क इज टू गेट अ नंबर फॉर यूजर, देन सेपरेट डिजिट्स ऑफ डेट नंबर एंड फाइंड आउट एवरेज ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द गिवन नंबर. द सेकेंड टास्क इज टू गेट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर फॉर टू डिफरेंट वेरिएबल्स एंड देन स्वैप वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल. ठीक है, इसमें लूप्स आपके काम आएंगे, तो लूप आपको एग्जांपल, इस एग्जांपल में लूप आपको मिल जाएगा, और बाकी क्या है, बाकी जस्ट सिंपल डिवीजन है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और जो एवरेज वाला एग्जांपल है एवरेज आपको यहाँ से मिल जाएगा. फिर जैसे इनपुट कैसे करवाना है, तो इनपुट करवाने के लिए जो एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पर. ठीक है, फर्स्ट यू जस्ट नीड टू get a number and put it in the variable from user and then start separating. So there is very easy logic for this number separation. ठीक है, तो ये आज का आप लोगों का टास्क है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर.